हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं लिमिट टेस्ट के बारे में इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फिर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। बी फार्म फर्स्ट ईयर में आपको एक्सपेरिमेंट में लिमिट टेस्ट जरूर देखने को मिलेंगे, ओके, बिकॉज ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और नॉलेज बेसिस के हिसाब से भी अपन देखें तो लिमिट टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आज हम पूरे वीडियो में लिमिट टेस्ट का इंट्रोडक्शन, क्या है लिमिट टेस्ट उसके बारे में देखेंगे और उसके बाद एक एग्जाम्पल लेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड के बारे में, उसके बारे में एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करना है उसको अपन समझेंगे, ओके। इसके साथ साथ मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा लिमिट टेस्ट के बारे में कि लिमिट टेस्ट परफॉर्म क्यों करते हैं और लिमिट टेस्ट आखिर होता क्या है। तो अगर बी फार्म फर्स्ट ईयर की मैं बात करूं तो आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी लिमिट टेस्ट प्रैक्टिकल करने को मिलेंगे और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में भी आपको लिमिट टेस्ट करने को मिलेंगे। और इन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में देखूं, केमिस्ट्री लैब में आप जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे आपको लिमिट टेस्ट परफॉर्म करना ही होगा। तो क्या है लिमिट टेस्ट उसके बारे में जानते हैं, ओके, लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू माई चैनल अमृतसर अकेडमी, मैं हिमांशु, स्टार्ट करते हैं, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन पे मैं जाऊंगा, डेफिनेशन क्या है लिमिट टेस्ट की। डेफिनेशन क्या है, द लिमिट टेस्ट इज ए क्वांटिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को ये समझना पड़ेगा क्या बोल रहा है, ये देखिए कि लिमिट टेस्ट इज अ क्वांटिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। इस टर्म को कैसे समझना है अपन को, देखिए क्वांटिटेटिव टेस्ट क्या होता है, जैसे कि मैंने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में बताया आपको, दो टाइप के टेस्ट अपन परफॉर्म करते हैं, दो टाइप के टेस्ट के थ्रू अपन किसी भी चीज का एनालिसिस करते हैं, फर्स्ट क्वालिटेटिव एंड सेकंड इज क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब क्या है और क्वांटिटेटिव मतलब क्या है, देखिए क्वालिटी मतलब क्या होता है कि किसी चीज को अपन या फिर तो विजुअल से या फिर उसका कुछ कलर इंडिकेशन है उस चीज से अपन उस चीज को फेल या पास करते हैं कि वो समथिंग सैंपल जो है कैल्शियम है मैग्नीशियम है सोडियम है वो प्रेजेंट है या नहीं है, प्रेजेंट यस फेल या पास। या फिर अपन क्या करते हैं कि अगर ग्रीन कलर आता है तो वो सब्सटेंस प्रेजेंट है या नहीं, ये तो क्या हो गया क्वालिटेटिव टेस्ट। क्वांटिटेटिव टेस्ट किसको बोलेंगे, जिसमें अपन किसी डिजिट के थ्रू बता रहे हैं कि इतना परसेंट जो है इसमें पैरासिटामोल प्रेजेंट है फॉर एग्जाम्पल, या इतना परसेंट उसमें सोडियम कंटेन है 72% है 80% है। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में क्या डिफरेंस हो गया पता चल गया आपको कि क्वालिटेटिव मतलब अपन जस्ट फेल और पास करते हैं उसकी, और क्वांटिटेटिव बोले तो उसको अपन डिजिट के साथ बताते हैं कि इतना परसेंट ये फेल है या पास है या ऐसा है। तो लिमिट टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या लिखा हो, देखो लिमिट टेस्ट इज ए क्वांटिटेटिव टेस्ट, मतलब अपन उसमें डिजिट के थ्रू भी कर सकते हैं, और सेमी क्वांटिटेटिव मतलब कई बार आपने देखा होगा जैसे लिमिट टेस्ट में अपन क्या करते हैं नेशनल सिलेंडर से उसको विजुअलाइजेशन ओपल सेंस देखते हैं, ओपल सेंस इन द सेंस उसकी टर्बिडिटी चेक करते हैं किससे अपने आंखों से कि भाई ये जो विजुअल सैंपल ए है टेस्ट और सैंपल में अपन देख के बताते हैं कि कौन सा जो टर्बिड ज्यादा है, और फिर अपन जो है उसका रिजल्ट निकलते हैं, रिजल्ट लिखते हैं कि सैंपल इज ग्रेटर देन सैंपल सॉरी टेस्ट इज मोर टर्बिड देन सैंपल द गिवन सैंपल वाज पास्ट या फेल, ओके। तो सेमी क्वांटिटेटिव से मतलब क्या हो गया कि जो अपन विजुअलाइजेशन से जो उसका रिजल्ट निकाल रहे हैं या इंटरप्रिटेट कर रहे हैं उसको उसको बोलेंगे सेमी क्वांटिटेटिव। दैट्स व्हाई अपन लिमिट टेस्ट को क्या बोलते हैं सेमी क्वांटिटेटिव, ओके। तो लिमिट टेस्ट क्या हो गया क्वांटिटेटिव, सर सीधी सी डेफिनेशन आपको याद हो जानी चाहिए, इस पर पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर लिमिट टेस्ट इज ए क्वांटिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट टू डिजाइन किसके लिए आइडेंटिफाई कंट्रोल द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी विच इज लाइकली टू बी प्रेजेंट इन द सब्सटेंस, मतलब कोई भी सब्सटेंस में अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो अपन उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस।
सो अपन डेफिनेशन पे थे. द लिमिट टेस्ट इज डिफाइन एज क्वांटिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट टू डिजाइन टू आइडेंटिफाई द कंट्रोल स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी. अब मैं आपको बताऊंगा लिमिट टेस्ट है क्या और करते क्यों है. देखिए लिमिट टेस्ट क्या है, कोई भी सैंपल जो है उसमें प्रेजेंट इम्प्योरिटी फाइंड आउट करने के लिए अपन लिमिट टेस्ट करते हैं. क्यों परफॉर्म करते हैं, कोई भी सैंपल है उसमें इम्प्योरिटी फाइंड आउट करने के लिए अपन लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं. ओके वो इम्प्योरिटी हैवी मेटल की भी हो सकती है. ओके और वो इम्प्योरिटी जो है वो किसी भी सब्सटेंस में प्रेजेंट प्रोसेस इम्प्योरिटी भी हो सकती है. अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे कोई टेस्ट है अपन करते क्यों है, पहली बात तो ये अपन को ये पता चल गया कि सर इसमें किसी भी सब्सटेंस में अपन इम्प्योरिटी फाइंड आउट करने के लिए लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं. ओके मोस्टली इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी. ओके तो अब बात आती है कि सर इम्प्योरिटी क्या है. देखिए इम्प्योरिटी क्या है, कोई भी सब्सटेंस है जैसे कि मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूं आपको, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट. ओके मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बात करूं तो एज ए डाइल्यूएंट जो है टेबलेट बनाने में भी यूज आता है, पाउडर कम में भी यूज आता है, बहुत सारे यूज है उसके. तो MgSO4 अगर मैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने में यूज कर रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि जो रॉ मटेरियल मैं यूज कर रहा हूं उसमें कोई इंप्योरिटी तो नहीं है. अगर इंप्योरिटी प्रेजेंट है तो विद इन लिमिट है या लिमिट से बाहर है. वो लिमिट कहां दे रखी होगी, वो इंडियन फार्माकोपिया में दे रखी होगी अगर कोई सब्सटेंस आप यूज करते हैं. ओके इंडियन फार्माकोपिया IP और BP में दे रखी होगी. क्या दे रखी होगी, किसी भी चीज की लिमिट कि कोई भी सब्सटेंस की इम्प्योरिटी कितनी जो है टॉलरेबल है, कितनी इम्प्योरिटी अगर होगी तो वो चल जाएगी, कितनी इम्प्योरिटी जो है नहीं होगी तो नहीं चलेगी. जैसे कि आपने देखा होगा कई बार कि 2-1 PPM इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन दिस सब्सटेंस या वॉट एवर जो भी है. देखिए तो इन प्रोसेस इम्प्योरिटी होती है, एक तो है इनबिल इम्प्योरिटी, मतलब कोई भी सब्सटेंस जो है वो 100% प्योर तो होगा नहीं, उसमें कुछ ना कुछ तो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी. तो उसी इम्प्योरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं. ओके तो लिमिट टेस्ट का अपन को पता चल गया. नेक्स्ट मैं बात कर रहा था आपको इम्प्योरिटी, तो इम्प्योरिटी एक तो उस प्रेजेंट हो सकती है उस सब्सटेंस में, दूसरा क्या होगा कि वो सब्सटेंस इन प्रोसेस इम्प्योरिटी. इन प्रोसेस इम्प्योरिटी क्या है कि कोई भी सब्सटेंस को जैसे कि मैंने बनाया, बनाते समय उसमें जो इम्प्योरिटी आ गई उसको बोलेंगे अपन इन प्रोसेस इम्प्योरिटी. तो वो भी इम्प्योरिटी अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिमिट टेस्ट. ओके तो बेसिकली जनरली मैं बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि लिमिट टेस्ट है क्या. ओके तो वापस डेफिनेशन पे चलते हैं. क्या है, आइडेंटिफाई कंट्रोल इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी लाइकली टू बी प्रेजेंट इन सब्सटेंस. जैसे कि मैंने आपको बताया लिमिट टेस्ट इज जनरली कैरिड आउट टू डिटरमाइन इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द कंपाउंड. ठीक है, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया आपको कि कोई भी सब्सटेंस में इंप्योरिटी प्रेजेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और मोस्टली कौन सी इंप्योरिटी, इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी को अपन आइडेंटिफाई करते हैं, या फिर वो हैवी मेटल भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है. ओके क्लोराइड हो सकता है, सल्फेट की इंप्योरिटी हो सकती है, आयरन की इंप्योरिटी हो सकती है, हैवी मेटल की इंप्योरिटी हो सकती है, आर्सेनिक की इंप्योरिटी हो सकती है, लेड की इंप्योरिटी हो सकती है. देखिए हैवी मेटल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की इंप्योरिटी का कारण इसलिए अपन को चेक करना जरूरी है क्योंकि अगर किसी सब्सटेंस में हैवी मेटल आयरन जो है या क्लोराइड है, सल्फेट है, लेड है, इनकी मात्रा जो है वो लिमिट में होनी चाहिए. अगर लिमिट से बियॉन्ड है तो वो जो है हार्मफुल है अपने बॉडी में पेशेंट के लिए. अगर उन सब्सटेंस को अपन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में यूज कर रहे हैं तो अपन को पहले उसका टेस्ट करना जरूरी है कि वो जो इम्प्योरिटी उसमें प्रेजेंट है, हैवी मेटल की है या लेड की, आर्सेनिक की, वो विद इन लिमिट है या नहीं है. अगर विद इन लिमिट नहीं है तो अपन उसको सब्सटेंस को इम्प्योरिटी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, देन अपन उसको यूज कर सकते हैं. ओके सो यहां तक अपन ने पढ़ लिया डेफिनेशन के बारे में.